बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ मिसेज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पोटैटो पैन पिज़्ज़ा, जो कि बहुत मज़े का होता है। बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगा। आप इसे ब्रेकफास्ट के तौर पे भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम में भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े का होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। घर में किचन में पाई जाने वाली तमाम चीज़ों के साथ हम इसे तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी लुक जो है वो बिल्कुल जो है वो ओरिजिनल पिज़्ज़े की जैसी है। देखने में भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये वैसा ही लग रहा है। हम तो फातिमा को टेस्ट कराएंगे, तो चलिए मिलके बनाते हैं कि ये मज़ेदार सा पोटैटो पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है। रहमान रहीम, मज़ेदार से जो है पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो ददालू लिए, इनको छील कर अच्छी तरह हमने धो लिया है और सबसे पहले हम इनको ग्रेट कर लेंगे। सारे आलुओं को हमने ग्रेट कर लिया है। तो अब जहाँ पे हम जो है वो लेंगे एक ठंडा पानी का बाउल और उसमें सारे ग्रेट किए हुए आलू डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए जो है वो हम इसको इनमें भिगा रहने देंगे ताकि अच्छी तरह जो आलू का स्टार्च है वो निकल जाए। कवर करके रख देते हैं दोनों। अब जहाँ पे हम अच्छी तरह इनका स्टार्च निकल चुका है, छोड़ कर इसका सारा पानी जो है निकाल लेंगे और इसका बिल्कुल इसको ड्राई कर लेंगे। सारे आलू को निचोड़ कर हमने एक बाउल में डाल लिया है। तो अब यहाँ पे हमने ये दो अंडे लिए हैं, इसमें नमक और काली मिर्च डाल के हमने फेंट लिया है। तो अब यहाँ पे हम इसमें कुछ जो है वो सूखी मिर्च पाउडर भी डालेंगे और इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये अब इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमान नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, वैसे इसमें लाइट ही जो है वो अच्छा लगता है। तो इसके बाद हमारे पास ये दो टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर है वो डालेंगे, अच्छी तरह इस सारे को जो है वो मिक्स कर लेंगे। अंडे और कॉर्नफ्लोर जो है वो इस सारे मिक्सचर को जो है बाइंड करने में मदद देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। एंड तक लाजमी जो है वीडियो को देखिएगा। अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। यहाँ पैन चूल्हे पर रख लिया, आग जला लिया और यहाँ पे हम डालेंगे दो टेबलस्पून जो है वो ऑयल। अब हमारे पास ये जो आलू वाला हमारा सारा मेज़ा है वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम चूल्हे की जो हमने बिल्कुल जो है वो स्लो रखनी है। इस मेज़े को डालने के बाद अच्छी तरह हमने इसे पैन में जो है वो फैला देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसे इस तरह बराबर करेंगे ऊपर से। जब ऊपर से अच्छी तरह हो जाएगा तो किनारों से इस तरह हम इसे चम्मच की मदद से करेंगे ताकि अच्छी सी गोल सी इसकी शेप जो है वो आए।
क्योंकि मज़ेदार के साथ साथ खाना अगर खूबसूरत भी नज़र आए तो बहुत जो है वो मज़ा देता है। माशाल्लाह बहुत प्यारी सी जो है वो शेप इसकी बन गई है। तो यहाँ पे फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए हम कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि आलू जो है हमारे जले भी नहीं और अंदर तक जो पक भी जाए। तो कवर करके हम इसे 5 से 7 मिनट तकरीबन जो है हम इसे कवर करके रखेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, इसे हम स्लो आंच पे पकाते हुए, माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो नीचे से हमारा थोड़ा सा जो है वो गोल्डन हो रहा है, ऊपर से ये ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको पलट देंगे, यहाँ पे एक प्लेट लेंगे हम, माशाल्लाह से बहुत प्यारा जो है वो कलर आया है। अब जो है यहाँ पे हम जो है वो पिज्जा सॉस थोड़ी सी लगाएंगे। एक तरह से आप इसे टैटो पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, बहुत मज़े का होता है, बहुत डिलीशियस क्रस्ट पिज़्ज़े की तरह ये क्रंची सा होता है। एक बात का ध्यान रखें कि बस इसमें जो फ्लेम है ना वो आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। तेल गर्म के बाद कम से हमारे पास ये मोज़रेला चीज़ है, ये डालेंगे। इसके ऊपर सब्जियां डाल देंगे, सब्जियां आप अपनी पसंद और चॉइस के मुताबिक जो है वो डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैंने ये हरी मिर्च ली है, ये बिल्कुल कड़वी नहीं है। इसके साथ जो है वो टमाटर ले रही हूँ। किचन में मौजूद हर चीज़ से ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। प्याज भी थोड़ा सा डाल दिया है, तो अब जो है वो दोबारा से इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। अब यहाँ से फ्लेम हमने बिल्कुल जो है वो स्लो रखनी है, 5 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसे कवर करके पकाते हुए, तो अब देखते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारी चीज़ बहुत अच्छी तरह जो है मेल्ट हो चुकी है, तो बहुत प्यारी सी जो है खुशबू आ रही है, बिल्कुल सेंगा एक जो है वो पिज़्ज़ा की तरह जो है वो लग रहा है। तो यहाँ हमारा पोटैटो पैन पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, चूल्हे की फ्लेम सबसे पहले बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह जी बिल्कुल देखने में जो है वो एक तरह लग रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह फाइनली फाइनली हमारा बहुत खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार जो है वो
टैटो पैन पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत है, कितना मज़ेदार नज़र आ रहा है। जितना खूबसूरत ये देखने में है इतना ही मज़ेदार ये खाने में होगा। बिल्कुल किचन में पाई जाने वाली चीज़ों के साथ आप इन्हें बच्चों को बना के दें, लंच में बनाएं, ब्रेकफास्ट में बनाएं, बहुत ही मज़े का और इंशाल्लाह बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार जो है ये अंदर तक जो है वो रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी।